हम लोग ग्राम नरूखेड़ी में हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे जय जवान जय किसान। कल जो घटना घटी चीन और भारत सीमा पर, जो चीन ने हमारे देश के सैनिकों को मारा, ये एक बहुत बड़ी चाल है, बहुत ही बड़ा मतलब दुष्कृत्य है जो चीन ने किया। और हमारे देश के किसानों का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पे है। तो हम नरूखेड़ी में बबलू भैया और ऋषिपाल जी से जानते हैं कि इनका क्या कहना है जो चीन के और भारत की सीमा पे जो तनाव हो रहा है और जिस तरह से हमारे सैनिक मारे गए, उसके बारे में क्या कहते हो ऋषिपाल जी? सैनिकों के बारे में तो ऐसा है जी, इनको मतलब उल्टा जवाब जबरदस्त देना चाहिए। स्थिति तो बढ़िया तरीके से सीधे गोली जी को जबरदस्त मारो और इसका पूरा बदला लो। और बाकी रहा उनका जो सामान हम खरीद रहे हैं वो सामान उनका लेना बिल्कुल बंद कर दो। और चाइना का ये जो सामान से प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कम हो जाएगा और वो उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, तो वो अपने आप ही पीछे हट जाएगा। और जो ये एक उनका ऐप है ये टिकटॉक चाइना का है, ये भी देखना बिल्कुल बंद कर दो, क्यों इससे भी तो वो कमाई कर रहे हैं ऐप से और उसी कमाई से गोलियां खरीद रहे हैं जो हमारे सैनिकों की जान ले रही है। जान ले रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा ऋषिपाल जी। और उसका आपको यार स्वस्थ खराब हो जाएगी उनकी। बाकी तो फिर अपना पब्लिक ने अपना ध्यान रखना इस चीज के बारे में। कोरोना है, वो भी चीन की वजह से फैला है। कोरोना के फैलने से नुकसान जो है देश का, उनको सारों को मिलकर इसके प्रति कुछ खतरनाक काम करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। इसके बारे में लड़ाई करो या उससे हमला करो, कुछ भी करो, तो ये तो सभी देशों ने मिलकर करना चाहिए। तो आपका ऋषिपाल जी हमारे सैनिकों के लिए क्या संदेश है? सैनिकों के लिए जी, सैनिकों को तो बड़ा नुकसान हो रहा है जो मारे, इसकी तो कमी पूरी होती नहीं है। बहुत महंगे से महंगा और परिश्रम से सैनिक तैयार होता है, काफी खर्च होता है सैनिक तैयार करने में, तो ये तो बहुत बड़ा घाटा है, बहुत ही बड़ा घाटा है जी देश को। आपकी आंखों पे मैंने देखा कि एकदम खून तैर रहा है जो कल की घटना घटी है चीन और भारत। है खून वाली जी, सैनिकों को मारना कोई वो थोड़ी है, और अपने देश के सैनिक का बदला लेना चाहिए। एक के बदले 10 मारो जब सीधे होंगे, ऐसे थोड़ी होगा, अकल नहीं आंदी ना जब तक थोड़ी सीधे होंगे। और ये बबलू भैया कोरोना भी इन्हीं के कारण फैला, इन्हीं की वजह से फैला जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। आज पब्लिक और हम रहने के लिए मजबूर क्यों है, इन्हें चीन की वजह है, लेकिन फिर नहीं मारी जनता समझ रही। आप क्या सोचते हो कि जो युद्ध के हालात बनाए हैं ये कोरोना से ध्यान हटाने के लिए बना रहा है देश? बिल्कुल ये चीन की चाल होगी, चाल है चीन की, कि पूरे विश्व का ध्यान लग जाए इसकी तरफ, अपना कोरोना से ध्यान हट जाए बस। तो भाइयों मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके विचार जान के। जय हिंद जय जवान जय किसान, नमस्कार।